नमस्कार। आज हम बात करते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर पेगासस के बारे में, जो पूरी दुनिया में इस समय जासूसी में प्रयोग किया जा रहा है और भारत में बहुत शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि इसके बारे में अभी कुछ समय ही पहले पता चला है, जिससे संसद में बहुत सारी शोर शराबा हो रहा है, कई दिनों से संसद चल नहीं पा रही है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। पेगासस सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में किया जाता है। तो पेगासस सॉफ्टवेयर बेसिकली देखा जाए कि इसको जो निर्माण है इसका, वो इजरायली कंपनी ने किया था। और इसका जो इजरायली जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जासूसी सॉफ्टवेयर है पेगासस, इसके फोन में सामान व्हाट्सएप कॉल से भी इसको पहुंचाया जा सकता है कि कोई आपको कॉल करता है। अगर कोई जासूस काम कर रहा है तो वो आपके बात हो ना हो, आपकी आवाज़ आए ना, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुंच जाएगा, वो आपके अंदर की चीज़ों को हैक कर लेगा और बहुत कुछ उससे वो कर सकता है। इतना फ़ोन में इंफॉर्मेशन है वो आपकी देख सकता है। तो एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। तो ये कब आया? 2013 में अस्तित्व में आया। इजरायली कंपनी NSO ने पेगासस को विकसित करने के बाद विभिन्न देशों को सरकारों को बेचना शुरू किया। तो बेसिकली देखा जाए पेगासस सॉफ्टवेयर जो है 2013 में बना था और वहीं से ये कॉमर्शियल लेवल पर लोगों के सामने आया। तो ये NSO कंपनी है, इजराइल बेस्ड कंपनी है। ये अपना सॉफ्टवेयर बेसिकली संगठनों को, सरकारों को ही बेचती है, इसको आम आदमी नहीं खरीद सकता। 2013 में ये सॉफ्टवेयर जो था $4 करोड़ कमाने वाली इस कंपनी ने 2015 तक $15.5 करोड़ की कमाई की। सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगा माना जाता है, इसलिए संगठन और संस्थान से खरीदते हैं। 2016 में पहली बार अरब देशों में काम कर रहे कार्यकर्ताओं के फ़ोन में इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन सबसे पहले अरबियन कंट्री के लोगों के फ़ोन में उनकी इंफॉर्मेशन को, उनको डेटा को चुराने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और उसी समय ये बात एप्पल को पता चली, तो एप्पल ने ISO अपडेट कर सुरक्षा की जो खामियाँ थी, इस तरीके के जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो अंदर हमारे फ़ोन में ना जाएँ, उन्होंने अपने फ़ोन को मॉडिफाइड किया। एक साल के बाद पेगासस जासूसी के मामले सामने आने लगे। इससे बचने के लिए 2019 में फेसबुक के सुरक्षा विशेषज्ञों ने पेगासस को एक बड़ा खतरा बताते हुए केस दायर किया। इसी दौरान व्हाट्सएप ने भारत में कार्यकर्ता पत्रकारों के फोन के उपयोग का खुलासा हुआ। 2000 सारे पत्रकारों के फोन और उनके जो नेटवर्क है, व्हाट्सएप है, उनको जासूसी से कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है, उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस तरीके की बहुत जो अनैतिक प्रक्रिया थी वो चल रही थी। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ़ोन पर आने जाने वाले हर कॉल का ब्यौरा जुटाने में सक्षम है। एक तरीके से देखा जाए कि फ़ोन आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके हर फ़ोन की एक्टिविटी दूर बैठा है दूसरा व्यक्ति के बारे में जान रहा है कि किसका मेल आया, उसमें क्या लिखा हुआ है, किसका व्हाट्सअप आया, क्या लिखा है, आपने सोशल मीडिया पर क्या करा है, आपने फ़ोन पर क्या बात की, किससे की। वो व्यक्ति दूसरा उस जो पेगासस सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से वो सुन रहा है। ये फ़ोन में मौजूद मीडिया फाइल, दस्तावेज के अलावा उस पर आने जाने वाले SMS, ईमेल, सोशल मीडिया के मैसेज की जानकारी भी दे सकता है। पेगासस सॉफ्टवेयर को जासूसी क्षेत्र में अचूक माना जाता है। तकनीकी जानकारों का दावा है इससे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन में मौजूद एंड टू एंड इंटीग्रेटेड चैट को भी पढ़ सकता है। पेगासस एक स्पाइवेयर जासूसी सॉफ्टवेयर है। इसे इजरायली सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी ने बनाया है। इसका दूसरा नाम क्यू स्वीट भी रखा। तो स्टार्टिंग में देखा जाए जो इसमें जासूसी की गई थी, हंगरी, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, बहरीन, कजाकिस्तान, तो यहाँ पर पत्रकारों की जासूसी की गई थी, अधिकारियों की जासूसी की गई थी और विपक्षी नेताओं की भी जासूसी की गई थी। और इसी देखा जाए भारत में भी इसका प्रयोग सरकार के द्वारा माना जा रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है कि सरकार इस सॉफ्टवेयर का, पेगासस का प्रयोग सुरक्षा अधिकारियों को, पत्रकारों की और विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए इसका प्रयोग कर रहा है। इसके अलावा कई दूसरे देश हैं जो इसका प्रयोग। तो पेगासस कोई टारगेट बचता नहीं है, जो कुछ नहीं बचता है, 10 लोगों की। अब ये बहुत महंगा हमारा सॉफ्टवेयर है पेगासस का, इसका खर्चा जो है 10 लोगों की अगर जासूसी आपको करानी है तो लगभग 9 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। 4 करोड़ रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज है, 5 करोड़ रुपए सर्विस चार्ज है।
एक आदमी पर जासूसी का 90 लाख रुपए खर्च होता है, एक लाइसेंस की कीमत करीब 70 लाख रुपए आती, तो ये काफी महंगा कॉस्टली है। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को केवल सरकारें खरीद सकती है या कोई संगठन खरीद सकता है। तो इसका प्रयोग बेसिकली जासूसी के रूप में, जासूसी के लिए सरकारें करती हैं, करती आई हैं, कराती ही हैं, और बहुत सारे देशों में इसका यूज किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो मानवता के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि किसी व्यक्ति को नहीं पता है कौन किसका फोन टैप करा रहा है। सरकारें जो है आपसे दुश्मनी निकाल रही हैं। अभी इंडिया में बहुत सारा हंगामा चल रहा है राज्यसभा विधानसभा लोकसभा में इसी पेगासस जासूसी। तो बहुत महंगी है पेगासस की जासूसी। अब चूंकि सरकारें कराती, सरकारों खुद पैसा देना नहीं होता, पब्लिक का पैसा होता है, उसको झोंक देते हैं, उससे पब्लिक की और अधिकारियों की नेताओं की जासूसी करा सकते हैं। अब तक भारत में जो कई पत्रकारों के नाम सामने आए हैं जिनकी इसके द्वारा जो है वो बेसिकली ये पेगासस की जो इन्फॉर्मेशन है कि पेगासस हमारे यहाँ जासूसी कर रहा है, लोगों के फोन में जासूसी कर रहा है, कौन कौन लोग हैं जिनके फोन रिकॉर्ड किए गए, टैप किए गए, इन्फॉर्मेशन देखी गई है। तो ये खबर एक द वायर स्वतंत्र पत्रकार संगठन है, उन्होंने इसकी खबर को लीक किया। उन्होंने बताया कि पेगासस इजराइल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो लोगों की जासूसी भारत में कर रहा है और कर चुका है, उससे पहले भी हो रही थी। 2017-19 के बीच इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, द वायर, द पायनियर के 38 पत्रकारों को उसको टारगेट किया गया था। अब इसमें केंद्रीय मंत्री भी भारत के हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनसे जुड़े 18 लोगों के मोबाइल सर्विलांस पे लगा के उनको टैप किया गया, जासूसी की गई। इनमें संसद में मसलों का बचाव कर रहा है आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, वो भी इसके शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, प्रवीण सिंह तोगड़िया, प्रशांत पटेल, इन सबको टारगेट पर रखा गया और उनके फोनों की जासूसी की जा रही है। इसके अलावा जो अधिकारी वर्ग में आते हैं, अशोक लवासा जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, और उसके बाद स्मृति ईरानी के ओएसडी रहे संजू कचरू, जो राजस्थान में वसुंधरा राजे के निजी सचिव प्रीति अवस्थी, ये सभी लोग जासूसी के निशाने पर हैं, इस सॉफ्टवेयर के निशाने पर रखे गए हैं। इसके अलावा एक नाम और आ रहा है जिसका पूर्व जस्टिस थे रंजन गोगोई, जो का एक महिला थी जिन्होंने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसके 11 रिश्तेदारों के फोन की जासूसी की गई थी, उसमें इसका पेगासस का प्रयोग किया गया, जो लोगों के नाम इस समय सामने आ रहे हैं। तो पेगासस कैसे हमला करता है स्मार्टफोन पर, तो पेगासस मतलब कैसे आपके फोन पहुंचता है, बैकटर अटैक कैसे करता, कैसे वो हमारा जो हमारा मेलवेयर है वो पहुंचता है। पेगासस किसी भी फोन पर इंस्टॉल हो सकता है, लिंक पर लिंक किए बिना भी इंस्टॉल हो सकता है, एसएमएस, व्हाट्सएप या इस मैसेज अन्य तरीकों से भी हो सकता है। इंस्टॉल होने के बाद पेगासस डिवाइस से जानकारी चुराता है और अटैकर तक पहुंचाता है, यानी जिसने भेजा है वो सभी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचा देगा, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, वीडियो, माइक्रोफोन एक्टिव, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, जीपीएस डेटा, कॉल रिकॉर्डिंग, कैमरा एक्टिवेटेड, ये सभी इंफॉर्मेशन देखा जाए आपका पूरी तरीके से फोन चुरा लिया जाता है। फिजिकली फोन आपके हाथ में होता है, लेकिन अगर देखा जाए टेक्निकली आपके हाथ में फोन नहीं होता, पूरी तरीके से हाईजैक हो। तो पेगासस के खाली टारगेट यही नहीं हुए, इससे पहले बहुत सारे लोग हो चुके हो, जिनमें अरब के शाही सदस्यों को टारगेट किया गया था, 600 से अधिक राजनेता अधिकारी को किया गया था, 189 पत्रकार हैं, 64 बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, 85 मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, 50,000 फोन लीक और नंबर लीक हुए जो वर्ल्ड में जिनकी जासूसी इस सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे लोगों की इंडिया में भी जासूसी है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेता, जिसमें अभी हम बता चुके हैं राहुल गांधी, वैष्णव, प्रसाद पटेल, अशोक लवासा, प्रशांत किशोर, ये बड़े लोग हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर का एक कारण और भी है कि पहले इन्होंने जो चुनावी स्ट्रेटजी थी बीजेपी के लिए बनाते थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के लिए, टीएमसी के लिए और दूसरे लोगों के लिए चुनावी स्ट्रेटजी बनाने का काम किया। तो इस लिहाज से कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है, तो इनकी भी जासूसी सॉफ्टवेयर के द्वारा की गई। अब जिनके फोन नंबरों को इजरायली सॉफ्टवेयर का हैकिंग के लिए सूचीबद्ध किया गया था, उसमें कौन कौन थे बता चुके हैं, ये लोग भी थे, ममता बनर्जी, भतीजा था उनका अभिषेक बनर्जी, और रंजन गोगोई का भी नाम। और उसके बाद ये बड़ा एक जो हमारा न्यूज देखा जाए कि फैमिली है, जो वायर के पत्रकार है जिनके बड़े लेवल पर जिनके फोनों को हैक करा गया, जिनके जासूस शीर्ष वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग शामिल है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सचिव संजय कचरू पहले बता चुके हैं, और प्रवीण तेवड़िया जैसे लोगों
बेस्ट। इसके अलावा वैश्विक मीडिया के सदस्य द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार जिन लोगों को संभावित निगरानी के लिए चुना गया उसमें हम बता चुके 109 पत्रकार हैं, 600 से अधिक राजनेता हैं, व्यवसायी हैं, अधिकारी हैं। और ये पत्रकार द एसोसिएट प्रेस, एपी, राइटर, सीएनएन, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, लेमोंदे, द फाइनेंशियल टाइम्स जैसे संगठनों में काम करते हैं। बड़े बड़े जो वर्ल्ड लेवल के संगठन हैं, जासूसी की गई है। और इसी तरीके देखा जाए इंडिया में भी शोर मचा हुआ कि 300 मोबाइलों को हैक करके वहाँ इन्फॉर्मेशन चुराई गई है, की गई है। तो इस तरीके से चीज़ें करते हैं। छोटी सी फिर से बता रहे हैं, पेगासस है क्या, एक स्पाइक वेयर सॉफ्टवेयर है, जासूसी सॉफ्टवेयर है। इसमें किसी की भी जासूसी किया जा सकता है। जासूसी की दुनिया में स्पाइक वेयर में पेगासस का एक बहुत बड़ा नाम है। एक कंपनी एनएसओ द्वारा बनाई द्वारा डेवलप किया गया है। कंपनी कहने से अपराधियों की जासूसी की जाती है। पेगासस एक मेलवेयर है जो आईफोन एंड्रॉयड डिवाइस को हैक कर लेता है। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए हैकर को स्मार्टफोन, माइक्रोफोन, मैसेज, कैमरे आज सभी डेटा को वो चुरा लेता है। इस तरीके से जगह जो गुप्त रूप से एक्टिव रहता है फोन बंद को, तब भी ये काम करता रहेगा। तो ये बेसिक क्रिमिनल के लिए किया गया, लेकिन आजकल ये जो है अपने विरोधियों की जासूसी के लिए सरकार रही है। भारत में भी 300 से ज्यादा लोगों की जासूसी चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और देखा जाए कि इसमें क्या होता है, पेगासस जो हमारा सॉफ्टवेयर आता है, पूरा का पूरा जो फोन आपके गिफ्ट में चला जाता है उसके, और जितनी आपके जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ पर बैठा हुआ जो हैकर है, जो अटैकर है, वो पूरी तरीके से चुरा लेता है। स्मार्ट स्पाइवेयर भी का, क्योंकि ये हालात के अनुसार जासूसी के लिए नए तरीके अपनाता है। तो बेटी सॉफ्टवेयर ना होकर एक हथियार की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर के हमले से बचा कैसे जाए, फोन और सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, सेटिंग में ऑटोमेटिक अपडेट एक्टिवेट कर दें, 5 साल से पुराने डिवाइस बदल लें क्योंकि उसमें स्पाइक वेयर का शिकार बनने का जोखिम है, तीसरा अपने डिवाइस, साइट और हर ऐप के लिए ऐसा पासवर्ड रखें जिसका अनुमान लगाना कठिन हो, जहां मुमकिन हो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चालू कर दें, अनजान लोगों के भेजे लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक ना करें, और जो डिसअपीयरिंग मैसेज उनको एक्टिवेट ना करें। तो इन सब सावधानियों के साथ हम अपने फ़ोन को स्पाइक वेयर के अटैक से बचा सकते हैं।